चलिए आज भिंका का काटिंग लगाते हैं, ये हाइब्रिड वाला है। नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ रूपाली गार्डनिंग ट्रूप से। मैंने सोचा इन दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, काटिंग लगाएंगे लगाएंगे सोचते सोचते मेरा मैंने मतलब सेब वेराइटी लाया था, सेब में से सारा तो मर ही गया, उसका काटिंग भी ले नहीं पाया। बीज निकला है, अभी बीज नीचे गिरा है, इतना बारिश हुआ है, इस बार क्या पता बीज रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये यहाँ का एरिया थोड़ा डाउन है, बारिश आने से पूरा पानी जम जाते हैं, तो ऐसे पानी में कहाँ बीज रहेगा, बीज तो नहीं रहेगा शायद। तो मैं कुछ काटिंग ले लिया, दो डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दूँगी, और एक प्लास्टिक का और एक कंटेनर है, कभी कभी हम लोग कुछ मंगाते हैं खाने का, वो ऐसे ही पड़ा था तो उसमें लगा दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा काटिंग वगैरह हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही पड़ा रहा, मतलब ये सब कंटेनर में लगा देती हूँ। और एक अगर एक गमले में लगाएंगे तो गमले में नया पौधा लगाने के लिए फिर जगह नहीं होता है, इसलिए काटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो ये ऐसे मैंने लगा लिया। उसके बाद ये वाला वेराइटी तो अभी भी ठीक ही है फिलहाल, मैंने इसलिए नीचे से ही थोड़ा काटिंग ले लिया, ऊपर से नहीं लिया, ऊपर से इतना सुंदर से खिल रहा है, यही खिल रहा है और तो कुछ नहीं है, तो इसलिए नीचे से काट के कुछ काटिंग लगा रही हूँ यहाँ पे। देखते हैं अगले साल तक अगर एक भी कटिंग रहेगा तो ठीक ही है। हाइब्रिड वाला मुश्किल होता है थोड़ा, मैंने एक वीडियो मुझे मिला था एक बार, हाइब्रिड वाला बहुत ये होता है, लेकिन देसी वाला ऐसा नहीं होता है। देसी वाला जितना भी उसको धूप मिले पानी मिले उसका उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सेंसिटिव है, ज़्यादा पानी मिलने से भी ये इसका ख़राब होता है, और ज़्यादा धूप होने से भी, धूप में भी बहुत मतलब मुरझा जाते हैं पूरा। ये देखिए, देखते हैं अगर इसमें से दोनों वैरायटी का काटिंग अगर सक्सेसफुल हो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, और इधर बारिश हो रहा है, देखिए बारिश के दिनों में लगा दिया मैंने, देखिए आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। आज के लिए बाय बाय, टेक।